हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एंडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोज पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो के। किसे SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार SERB वुमेन एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार SERB वुमेन एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो है डॉक्टर सोनू गांधी को सम्मानित किया गया है SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से। ये जो है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद की वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की ओर से ये पुरस्कार स्थापित किया गया था। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं जो उत्कृष्ट काम करती हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, SERB महिला उत्कृष्टता अवार्ड। तो ये जो मिला है सोनू गांधी, डॉक्टर सोनू गांधी को। स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड यानी TB रोको साझेदारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड यानी TB रोको साझेदारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनको स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड यानी कि TB रोको साझेदारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2025 तक उनका कार्यकाल रहेगा। बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है एडमिरल अरुण प्रकाश के द्वारा लिखी गई है बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। इसको जो रिलीज़ किया है मतलब इसका विमोचन किसने किया है, वो किया है जनरल बिपिन रावत जो कि CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, एंड जनरल दीपक कपूर ने इसका विमोचन इसको रिलीज़ किया है। लिखा है एडमिरल अरुण प्रकाश ने बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। अपने गाने आई कांट ब्रीथ के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर की श्रेणी में 2021 का ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? अपने गाने आई कांट ब्रीद के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर की श्रेणी में 2021 का ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? तो ये जो जीता गायक हैं HER, जिन्होंने आई कांट ब्रीद के लिए 2021 का ग्रैमी अवार्ड जीता, जिसे मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। जो ग्रैमी अवार्ड है उसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। किसे वैश्विक नागरिकता दूत ग्लोबल सिटीजनशिप एनॉय के रूप में मान्यता दी गई है? किसे वैश्विक नागरिकता दूत ग्लोबल सिटीजनशिप एनवॉय के रूप में मान्यता दी गई है? तो जो है श्री श्री रविशंकर को मान्यता दी गई है ग्लोबल सिटीजनशिप एनवॉय के रूप में। ये जो हैं भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं, इनको जो है वैश्विक नागरिकता दूत की उपाधि मान्यता दी गई है। अमेरिकी विश्वविद्यालय ने ग्लोबल सिटीजनशिप एनवॉय के रूप में इन्हें मान्यता दी है। किस देश में शहतूत बांध स्थित है? किस देश में शहतूत बांध स्थित है? तो जो शहतूत बांध है वो अफगानिस्तान में स्थित है। भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध, जिसे सलमा डैम के तौर पर जानते हैं, जून 2016 में PM मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। शहतूत जो डैम है वो सलमा बांध के बाद अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो जो सलमा डैम है वो भी भारत और अफगानिस्तान के कोलैबोरेशन से बना था, और जो सैतूत डैम है वो भी भारत और अफगानिस्तान के कोलैबोरेशन से ही बना है। और सलमा डैम का उद्घाटन तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। तो उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा डैम है अफगानिस्तान में, सैतूत बांध। माजुली हेलीपोर्ट किस राज्य में स्थित है? माजुली हेलीपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो माजुली जो है असम में स्थित है, माजुली हेलीपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 हेलीकॉप्टरों के एक साथ लैंडिंग की सुविधा के साथ माजुली जिले में राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया था। तो ये जो माजुली हेलीपोर्ट है यहाँ पे एक साथ में 3 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं, जो कि असम में स्थित है। फरवरी 2021 में कौन सा केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी
कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। फरवरी 2021 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है वो सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है फरवरी 2021 में। फ्रेंड्स, ये वो स्लाइड है जिसमें आपको बताता रहता हूँ कि ये सभी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। इससे भी ज़्यादा वीडियोज अवेलेबल हैं, उनका वीडियोज़ का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। कौन ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे पहले ई कैबिनेट को लागू करने वाला राज्य बन गया है? तो जो हिमाचल प्रदेश है वो ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और ये ई कैबिनेट जो है, ई कैबिनेट एक एप्लीकेशन के द्वारा चलाया जाएगा ई कैबिनेट को। कौन सा देश उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप फर्स्ट एनर्जी आइलैंड का निर्माण करेगा? कौन सा देश है जो उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप यानी कि फर्स्ट एनर्जी आइलैंड का निर्माण करेगा? तो जो डेनमार्क है वो निर्माण करेगा उत्तरी सागर में पहला ऊर्जा द्वीप। पवन टर्बाइनों से हरित बिजली को वितरित करेगा, यहाँ से जो पवन टर्बाइनें हैं उनसे बिजली बना के और उसको वितरित करेगा ये दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप जो कि डेनमार्क के द्वारा बनाया जाएगा। डेनमार्क वर्तमान में यूरोपीय संघ में सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। डेनमार्क जो है यूरोपीय संघ के जो देश हैं उनमें सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो स्विच दिल्ली जो है अभियान का की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना बैगर फ्री स्कीम की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना बैगर फ्री स्कीम की शुरुआत की है? तो जो है राजस्थान सरकार ने भिखारी मुक्त योजना बैगर फ्री स्कीम की शुरुआत की है। किसे 1500 मीटर में नया इंडोर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसने 1500 मीटर में 1500 मीटर की जो दौड़ होती है उसमें नया इंडोर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो जो गुडाफ सेगाय ने बनाया है 1500 मीटर इंडोर विश्व रिकॉर्ड जो कि इथोपिया की रहने वाली हैं, 1500 मीटर दौड़ में इन्होंने 3:53.09 लगाए। इससे पहले इनकी हमवतन इनके ही देश की इथोपिया की गेंजेबे डिबाबा 3:55.17 का समय लिया था जिनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो अभी का रिकॉर्ड बनाया है गुडाफ सेगोय ने। पेंगोंग झील पेंगोंग लेक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पेंगोंग झील जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास ही भारतीय और चीनी सेनाएं जो हैं आपस में भिड़ंत हो गई थी कुछ समय पहले की ही बात है। तो पेंगोंग झील में ही के आसपास ही वो जो है झड़प हुई थी और ये जो है लद्दाख में स्थित है। तपोवन सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तपोवन सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड में है तपोवन सुरंग, और इसमें जो है उत्तराखंड के चमोली जिले की तपोवन सुरंग में ही कुछ दिन पहले ग्लेशियर टूट गया था जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी।